सर्दी आते ही हमें अपने हेयर की एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ने लगती है, और विंटर में हमें ऐसा लगता है कि हम कौन सी चीज अपने हेयर में लगाए कि जिसकी वजह से हमें ड्राइनेस से छुटकारा मिल जाए और हमें ज्यादा हेयर केयर की जरूरत ना पड़े। तो आज कुछ ऐसे ही सिंपल आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो आप अपने डेली विंटर हेयर केयर में कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसी टिप्स हैं जिसको आप फॉलो करोगे तो आपको विंटर में जो हेयर की प्रॉब्लम हो जाती है उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप इजिली अपने विंटर को एंजॉय भी कर पाओगे और अपने हेयर को विंटर में भी हेल्दी और शाइनी रख पाओगे। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही विंटर आता है तो हमें हेयर की प्रॉब्लम शुरू होने लगती है, हमारे हेयर में प्रॉब्लम्स दिखने लगती है। अगर जिसके हेल्दी हेयर है, अगर डेली वो केयर करते हैं, वीकली केयर करते हैं, तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनको अपना शैम्पू, अपना कंडीशनर, अपना जो डेली रूटीन है वो पूरा चेंज करना पड़ता है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमें हेयर केयर की जरूरत पड़ती है तो विंटर में। हमें ड्राइनेस की वजह से हमें हेयर फॉल ज्यादा होने लगते हैं, सबसे ज्यादा हेयर फॉल होता है विंटर में, क्योंकि बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है हमारे हेयर में और उसकी वजह से हेयर टूटते हैं, हमारे स्कैल्प ड्राई हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो यहाँ पे अगर ये सब चीजें आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो फॉलो करोगे तो आपको बहुत हद तक आप इन सब चीजों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपको सबसे पहला जो मेरा टिप्स आएगा यहाँ पे, आपको डेली हेयर वॉश नहीं करना है। बहुत सारे लोग जो वर्किंग रहते हैं तो वो क्या करते हैं, डेली हेयर वॉश करते हैं, तो डेली हेयर वॉश नहीं करना है। उसके पीछे का रीजन बता दूं, डेली हम हेयर वॉश करते हैं तो जो हमारे हेयर में हमारा नेचुरल जो सीबम बनता है वो रिमूव हो जाता है, मतलब वो जो नेचुरल सीबम है वो हमारे हेयर में मॉइस्चराइजर का काम करता है, स्कैल्प को नरिशमेंट देता है और साथ साथ में हमारे हेयर में ड्राइनेस नहीं आने देता है, जो एक नेचुरल ऑयल का काम करता है जो हमारे स्कैल्प में जनरेट होता है। लेकिन अगर हम डेली हेयर वॉश करते हैं तो उससे क्या होगा कि वो जो सीबम है वो धीरे धीरे बंद हो जाता है बनना, और उसके बाद फिर हमारे हेयर में बहुत ज्यादा ड्राइनेस होने लगती है, हमारे स्कैल्प में भी ड्राइनेस होने लगती है, तो इस तरह से यह बहुत ज्यादा फिर ड्राइनेस आ जाती है हमारे हेयर में। तो अगर आप डेली हेयर वॉश करते हैं तो उसकी जगह पे आप विंटर में एटलीस्ट 2 बार हेयर वॉश करिए। हेयर वॉश से पहले मैंने अभी एक रिसेंटली वीडियो बनाया था, अगर वो आप रेमेडीज यूज करते हैं तो भी आपको ड्राइनेस फील नहीं होगी, आपके स्कैल्प में भी ड्राइनेस फील नहीं होगा और आपके हेयर में भी आपको ड्राइनेस फील नहीं होगा। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, बहुत ज्यादा गर्म पानी अवॉइड करिए। तो विंटर में हम लोग ठंडी होती है तो उसकी वजह से एकदम गर्म पानी से हम नहाते भी हैं और हेयर वॉश भी करते हैं, तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत ज्यादा गर्म पानी होता है ना वो हमारे स्किन और हेयर का नेचुरल ऑयल है उसको रिमूव कर देता है, क्योंकि इतने गर्म पानी से आप नहाओगे, हेयर वॉश करोगे, तो वो आपके हेयर में और ज्यादा ड्राइनेस डाल देगा और यहाँ पे आपके फिर हेयर की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि हेयर वॉश के टाइम पे अगर आपको पॉसिबल है तो माइल्ड आप वॉटर रखिए, वॉर्म वॉटर रखिए। अगर ठंडे पानी से अगर आप ठंडी में नहा पाते हो तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ठंडा पानी क्या करता है, जैसे ही हम अपने स्कैल्प में ठंडा पानी डालेंगे ना तो उससे हमारा एकदम से हमें ठंडा ऐसा लगेगा, और ठंडे पानी से हमारे स्कैल्प का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट होता है और हमारे जो क्यूटिकल्स जो ओपन हो चुके हैं वो क्लोज होते हैं। तो ठंडे पानी से अगर आपको कोल्ड वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है और आप नहा सकते हैं बहुत अच्छा रहता है विंटर में ठंडे पानी से नहाने का, बहुत ही रिस्की काम बोल रही हूँ मैं, लेकिन यस बहुत अच्छा रहता है अगर आप ठंडे पानी से अपने हेयर वॉश करते हो तो विंटर में स्पेशली वो अच्छा रहता है, क्योंकि वो कोल्ड चीजें क्या करती है आपके ड्राइनेस को बढ़ाती नहीं है, वो आपके ड्राइनेस को कम करती है, तो आपका स्कैल्प का जो ड्राइनेस है उसको रिमूव कर देगा और आपके क्यूटिकल्स को क्लोज कर देगा, तो उसकी वजह से भी आपके हेयर की कोई भी प्रॉब्लम है, ड्राइनेस हो, फ्रिजीनेस हो या फिर आपको हेयर फॉल हो, वो सारी चीजें सिर्फ ठंडे पानी से नहाने से भी कम हो जाएगी, तो ये चीज भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आएगा, यहाँ पे अगर आप हेयर वॉश के बाद ड्रायर वगैरह यूज करते हैं तो उसको भी मत यूज करिए, उससे भी ज्यादा ड्राइनेस आ जाती है, उसी जगह आप सनलाइट में आप खड़े रहकर अपने हेयर को ड्राई कर सकते हैं, तो उससे सनलाइट में आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। सनलाइट में अगर आप खड़े रहकर आप ड्राई आपके हेयर को ड्राई करते हैं तो एक तो आपके सनलाइट की वजह से आपके हेयर ड्राई भी हो जाएंगे और उसमें भी आपको अगर कंटिन्यूस अपने हेयर में कॉम्ब करते हो तो आपके हेयर स्ट्रेट भी हो जाते हैं, और दूसरा पॉइंट ये होता है कि सनलाइट के जो रेज रहते हैं वो हमारे हेयर के लिए भी बेनिफिशियल रहता है, वहां से आपको हेयर के विटामिन्स मिलते हैं तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर आप ड्रायर यूज करोगे तो वहां पे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, उल्टा आपके हेयर में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो अच्छा है आप सनलाइट में खड़े होकर अपने हेयर को ड्राई करिए तो वहां से आपको मल्टीपल बेनिफिट भी मिलेगा, तो इस पॉइंट को भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, यहाँ पे आप
हेयर वॉश के बाद कोई भी अच्छा सा हेयर सीरम लगाइए, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको हेयर सीरम या हेयर मॉइस्चराइजर लगाना है। बहुत ज्यादा आपके ड्राई हेयर हैं तो आप हेयर मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, और अगर आपके सेमी हैं, नॉर्मल ड्राई हेयर हैं आपके, तो वहां पे आप हेयर सीरम लगा सकते हैं। तो आपके हेयर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, दिन में 2 बार, दिन में 3 बार, जितनी आपको ड्राइनेस फील होती है उस हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन मस्ट है हेयर सीरम को यूज करना। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा, विंटर में हम लोग जनरल, मैंने इससे पहले भी बताया हुआ है कि हम लोग कॉम यूज करते हैं, तो कॉम में हम जनरली प्लास्टिक का कॉम यूज करते हैं, तो उसकी जगह पे आपको विंटर में स्पेशली वुडन कॉम यूज करना है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है हमारे हेयर में, तो उसकी वजह से हेयर ज्यादा ड्राई होते हैं और हेयर टूटते भी हैं। तो यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखिए कि आप अगर प्लास्टिक का कॉम यूज करते हैं तो उसकी जगह पे अभी वुडन कॉम यूज करिए, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है हेयर के लिए, स्पेशली विंटर सीजन में। तो ये जो मैंने आपको कुछ टिप्स ट्रिक्स बताए हुए हैं, इसको जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि है तो ये सिंपल लेकिन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। छोटी छोटी बातें होती है लेकिन अगर इसको हम इग्नोर करने लगते हैं तो उससे प्रॉब्लम बड़ी बड़ी होने लगती है हमारे हेयर में, और इसीलिए जरूरी हो जाता है कि हम ये छोटी छोटी बातों को फॉलो करें, तो उससे हमें बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी मिलते हैं और हम अपने हेयर को विंटर में भी हेल्दी और ब्यूटीफुल रख पाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।